तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है हमारे एक और नया वीडियो में। तो आज ये बहुत ही अलग वीडियो होने वाला है। चैनल अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में चल रहा है ये, और एक एक्सपेरिमेंटल चीज मेरा दिमाग में आया। वो मेरा नीड से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को पसंद आता है तो मैं ऐसा भी वीडियोज बनाऊंगा। सो वो क्या है कि देख लो, जो चॉकलेट खा रहा था उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि भाई ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। बहुत चैनल्स में देखते एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो किससे एक्सपेरिमेंट करेंगे? इस चॉकलेट से, इस बटर से, इस पानी से, उसके बाद सॉस भी लेंगे और ये बिस्कुट्स भी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। तो मुझे नहीं पता कैसा। तो पहले जो है मेरे को ये लेना पड़ेगा। और पानी डालने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है फाइनली मैंने गुला लिया है। सबसे पहले ये चॉकलेट दूंगा, ये मैंने तोड़ लिया थोड़ा सा चॉकलेट। सब इसको इसके अंदर पोर करेंगे। अब मैं लूंगा बिस्किट, यहाँ पर आधा बिस्कुट पड़ा है। तो ये सब तो बहुत ही आसान है और कुछ नया चीज़ नहीं है, पर एक थोड़ा सा बर्बन का पीस भी ले लेते हैं, डाल देते हैं। अब ये तो मतलब नॉर्मल होगा, कुछ मतलब क्रेजी करने के लिए मेरे लाया उस सॉस और ये बटर, जो कि बिल्कुल टेस्ट से अलग है और डिफरेंट है। मुझे नहीं पता कि कैसा होने वाला है। ये बहुत ही एक्साइटेड मूड है इस बटर को लेने का। बटर लेके देखते लेकिन इसको डालना क्या ठीक होगा। मैंने दे दिया, मुझे अब कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। अब जो आखिरी चीज़ बचा है वो है सॉस। तो भाई मेरा तो पड़ चुका है, पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बहुत डर लग रहा है। तो मैं लिटरली सॉस क्या ये, लेकिन ज्यादा नहीं। गिर गया बस भाई, मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता। मुझे पता है ये अभी तक टॉक्सिक हो चुका होगा, तो अभी मैं इसको भूलता हूँ। देखते भाई कैसा बनता है। मैंने तो भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, खास करके वो सॉस देखे भाई। सॉस के पहले तक ठीक था, लेकिन उसके बाद जब सॉस लिया ना, मुझे भाई कसम से बहुत डर लग रहा है। मुझे पता भी नहीं कैसा खाना में होगा। और देख सकते हो वाइट जैसा था, अभी क्या भी चेंज हो चुका है, थोड़ा सा बन चुके हैं। देखो कैसे बटर छूल रहे हैं, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है देख के। अब इसको खाने वाला हूँ, देखता हूँ कैसे बनता है। इतना भी खराब नहीं यार, सॉस का थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, इतना भी खराब नहीं है। लेकिन खराब नहीं है, लेकिन ये माखन जो है ना पेट के लिए बहुत ख़राब होगा मेरे ख्याल से। तो इसे घर में बिल्कुल ट्राई मत करना, और मैं भी उस ज़्यादा ट्राई नहीं करूँगा। अगर लाइक और सब्सक्राइब कर दो, दबा के लाइक।